ओम शांति। बाबा कहते कर्मयोगी बनू, जिसके लिए बाबा सहज युक्ति बताते। बाबा कहते जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते हैं और जब चाहे तब न्यारे हो जाते हैं। यह ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। तो मालिक बन कर्म करो, कर्म पूरा हुआ तो न्यारे फरिश्ता बन जाओ। इसीलिए बाबा हम बच्चों को मुरलियों में तीन स्वरूपों का निरंतर अभ्यास करने का इशारा करते। बाबा कहते जब देह का आधार लेते हो तो कर्मेंद्रियों से कर्म करो और कर्म होते ही अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनकर विश्व का चक्कर लगाओ, आत्माओं को मनसा सकास दो और जब न्यारा निराकारी आत्मा अनुभव करो तो परम धाम में परम पिता परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करो। यही अभ्यास करने वाला सदा न्यारा फरिश्ता अनुभव करता है। तो आज विशेष अमृत बेला में हम स्वमान लेंगे मैं आत्मा मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली निरंतर योगी हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली निरंतर योगी हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए यह स्वमान हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा और मैं आत्मा मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाती रहूंगी और निरंतर बाबा की याद में रहकर निरंतर योगी हूं यह अनुभव करती रहूंगी। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार, इस पांच तत्वों के देह की मालिक, मन बुद्धि और संस्कारों की राजा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं बिंदु आत्मा परम धाम में, निराकारी शिव पिता के सम्मुख हूं। मुझ आत्मा की तीन दिव्य शक्तियां,
मन, बुद्धि और संस्कार इमर्ज हो रही हैं। ऊपर ज्योतिर्बिंदु आत्मा और उसके तीनों ऑर्गन्स, मन, बुद्धि एवं संस्कार पिता शिव के सामने है। मैं आत्मा शिव पिता की संतान, शिव पिता के आर्डर प्रमाण मन बुद्धि को चलाने वाली। विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली निरंतर योगी हूं। स्वयं भगवान शिव पिता कहते हैं। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन। आपके मन और बुद्धि हैं। मंत्र ही मन मनाभाव का है। योग को बुद्धि योग कहा जाता है।
तो अगर विशेष आधार स्तंभ मन बुद्धि अपने अधिकार में है, अर्थात आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं। जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सको। मन बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं। आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करें। तब कहेंगे निरंतर योगी। तो अनुभव करें मैं बिंदु आत्मा परम धाम में। अपने मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र किए हुए। शिव पिता के सम्मुख हूं। बीज रूप शिव पिता से निकलती शक्तियां।
मुझ आत्मा राजा को शक्तिशाली बना रही है। तो अनुभव करें मैं आत्मा मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण। विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली निरंतर योगी हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण। विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली निरंतर योगी हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण। विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली निरंतर योगी हूं। अब मैं आत्मा बाबा से अपने आर्गन्स मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए पवित्रता से संपन्न किरणें स्वयं में समाती जा रही। बीज रूप शिव बाबा से ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली किरणें Thank you.
निरंतर निकल निकल कर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। और मुझ आत्मा से होते हुए तीनों ऑर्गन्स पर बरसने लगी हैं। शक्तिशाली किरणों का निरंतर प्रवाह मुझ आत्मा के मन बुद्धि और पुराने विकारी संस्कारों का शुद्धिकरण कर रहा है। उनका रूप परिवर्तित होता जा रहा है। मन अति शुद्ध होकर शांत होता जा रहा है। मन में उठने वाली लहरें मंद पड़ने लगी हैं। मलिन बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है। मन और बुद्धि स्वच्छ और पवित्र बनते जा रहे हैं।
ज्वाला स्वरूप किरणों के पड़ने से। विकारों रूपी किचड़ा व्यर्थ संकल्प भस्म होते जा रहे हैं। मन में शुद्ध सुंदर कल्याणकारी विचार जागृत हो रहे हैं। बुद्धि दिव्यता से भरपूर होकर आत्मा राजा के आर्डर प्रमाण कार्य करने लगी है। तो अनुभव करें मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। मन बुद्धि संस्कारों की राजा हूं। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा के आर्डर प्रमाण। मन बुद्धि को विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। तो अनुभव करें मैं अपने मन बुद्धि और संस्कारों की। पूर्णतया मालिक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण।
विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली निरंतर योगी हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण, विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली निरंतर योगी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। मैं आत्मा मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण। विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली निरंतर योगी हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में नए स्वमान के साथ, कल के पुरुषार्थ के साथ सुबह 4 बजे फिर मिलेंगे। ओम शांति।